हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेफ्टी एक्सचेंजेस बट नेवरदलेस ही प्लेड वेल इनफ टू विन द दोस्तों आप भी सोचते हो कि ये बिलेट बोर्ड पे सलीम भाई क्या कर रहे हैं। हमारे साथ है रेयान राजमी और जिन्होंने हाल ही में 2 नेशनल टाइटल जीता है बिलियर्ड्स और स्नूकर्स में। थोड़ा लिख के लेना पड़ा क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स हैं। इन्होंने जो है रेयान राजमी ने अभी हाल ही फ़िलहाल में 2 नेशनल लेवल के डबल टाइटल्स लिए हैं, नेशनल जूनियर बिलियर्ड चैम्पियन और नेशनल जूनियर स्नूकर चैम्पियन इन्होंने हाल ही फ़िलहाल में जीता है। और महाराष्ट्र स्टेट सीनियर लेवल के बिलियर्ड नंबर 1 और जूनियर के भी फॉर्मर 2 साल से ये जीते हैं ना, बहुत सारे टाइटल्स इनके। वेलकम टू गली न्यूज़ रेयान। हेलो, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर फुल नेम? रेयान रजमी। रेयान रजमी, व्हाट आर द टाइटल्स यू हैव वॉन है हमको पूछना है। सो इन द पास्ट आई हैव वन जूनियर स्नूकर महाराष्ट्र चैंपियनशिप एंड द जूनियर बिलियर्ड्स महाराष्ट्र चैंपियनशिप। ऑल्सो दिस टाइम आई एम करेंटली महाराष्ट्र बिलियर्ड्स सीनियर नंबर 1 एंड दिस टाइम इन I won the national championship in junior snooker and junior billiards. Tell us about this national junior billiards and national junior snooker. Isme all over India se state level ke log aate hain. Yes. So recently this month in December in Sage University Bhopal the national championship was arranged in which I won the junior billiards and junior snooker championship in the same year, making it a double title. So when was the this title? So the junior billiards final was on 24th of December which I won and junior snooker I won on the 29th of December 2020. दूसरे के लिए भी छोड़ो यार, कुछ सब तुम ही ले लोगे तो दूसरे क्या करेंगे? Yes. Thank you. What do you do? आप करते क्या? Billiards खेलने के अलावा और क्या करते हो? कुछ कामकाज करते हो कि नहीं करते हो? क्या करते हो? Yes. So currently I'm studying BMS in HR College of Commerce and Economics. I'm doing my SYBMS, Bachelor's in Management Studies. In my 10th standard I got 93% and topped the board in economics with 100 on 100. In my 12th standard which I did from HR College I got 90%. Very good. And I topped corporation subject. आप पढ़ाई में भी अच्छे हो और इसमें भी अच्छे हो। यस, जनरली ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादातर खेल में रहते हैं तो पढ़ते नहीं हैं। आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सो माई फादर इज़ इन टू जिम डिज़ाइनिंग, ही डिज़ाइन जिम्स एंड सप्लाईज फिटनेस इक्विपमेंट्स एंड माई मॉम इज़ अ प्रोफेसर इन HR कॉलेज इटसेल्फ। अच्छा, मम्मी यस इज 10 ईयर्स शी इज़ अ प्रोफेसर। मम्मी कभी यूज़ करती है कि ना आपके लिए? No. ऐसा कभी मौका आया कि बोले यही बिलेट्स की लकड़ी से दे दो उसको? नॉट येट। दे मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। यस, नो डाउट, थैंक यू। है ना? अच्छा, अभी ये बताइए आप यहाँ पर इस्लाम जिम खाने में कितने ये जो आपकी सक्सेस आई है ये कैसे आई हुई है, क्या मोटिवेशन था और एज क्या है आपकी? So I'm 19 years old. I started playing snooker when I was 12 years. My father used to play in the club as a recreational sport. तो उनको देख देख के सीख सीख के तो इन माई सेकेंड ईयर ओनली। गुरु या खुद से सीखे? नो, सो आई एम टेकिंग कोचिंग फ्रॉम यासीन मर्चेंट सर, ही हैज़ अकेडमी इटसेल्फ, आई टेक कोचिंग फ्रॉम हिम। अच्छा। या सो आई स्टार्टेड प्लेइंग स्नूकर व्हेन आई वाज 12 एंड इन माई सेकेंड ईयर ओनली आई वन द महाराष्ट्र स्टेट जूनियर चैंपियनशिप। सो फ्रॉम दैट आई केप्ट ऑन गोइंग आफ्टर द नेक्स्ट ईयर आई केम इन द टॉप 4 इन सीनियर्स एंड नाउ रिसेंटली टू विनिंग द सीनियर स्टेट चैंपियनशिप। ऑल्सो आई वन मेनी अदर लोकल क्लब एंड स्टेट लेवल इवेंट्स। मुझे बड़ा पता रहता था, मैं बड़ा रजिस्टर लेके आता सब लिखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जोक, टेल मी वन थिंग कि 19 साल की उम्र में आपने बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप जीत ले, तो वर्ल्ड लेवल पे जाने का है आपका? यस, सो थैंकफुली दिस टाइम सिंस आई हैव क्वालिफाइड इन द टॉप 2 of the junior snooker event, I will be representing the country in the world championships which will be held soon. Mm-hmm. The dates are not sure because of the COVID events. Mostly it will be in either Doha, Qatar or in Romania. Are you prepared for that because it's a world championship? Yes, definitely I'll have to prepare a bit more, more than the national championship. But since there are what are the facility you require for a world championship? Because nowadays even the government want sportsmen like you to go abroad and win trophies for the country. So the main requirements are a good table conditions, you know, where you get to practice solo for a couple of hours. Yeah, condition kaise hai Islam gym ka? Islam gym ka conditions are very very good. Earlier the snooker room had only 2 tables, but now they have put 2 more tables, so now the room is of 4 snooker tables, and the cloths and the table are of top class companies, which helps to practice, which helps me practice a lot. Also the management of Islam gym has really helped me and provided me facilities, especially because of Yusuf uncle, the president of Islam gym. He has arranged a table for me to practice whenever I need, and with the marker and all the facilities, so that's really helping me out.
जी, एंड घर वाले की मम्मी डैडी का क्या योगदान है इसमें आपके लिए? सो एक्चुअली फैमिली में कोई आपके भाई हैं? या आई डू हैव अ यंगर ब्रदर, ही आल्सो प्लेस स्नूकर, सो ही इज महाराष्ट्र स्टेट जूनियर नंबर 2, ही लॉस्ट टू मी इन द या ही लॉस्ट टू मी इन द फाइनल। घर के अंदर बिलियर्ड टेबल डाले हुए तुमने? नॉट येट, नॉट येट। डैडी खेलते थे, तुम भाई चैंपियन है, तो सिस्टर है कोई? नो नो, इट्स जस्ट मी एंड माय यंगर ब्रदर। बीइंग अ नेशनल चैंपियन इन द कॉलेज, क्या मजा क्या है? यू डू गेट लिटिल ऑफ more benefit attention from everyone from mainly everyone, teachers and all. It what it, is the response in girls, you know, kya re yaar Rehan aaya hai national championship, kuch mileage mila usse? Little bit, thoda sa fighter nahi uthaya. Nahi, mainly focusing on snooker. Yeah, no, tell me one thing, what is this billiards and snooker? Okay. It's a different championship. So yeah, बिलियर्ड एंड स्नूकर बोथ। हम लोग लोकल लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये एक ही टेबल है, इस पर इतने ही बॉल है, खेलना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिलियर्ड एंड अ स्नूकर? बिकॉज आई डोंट नो, मे बी लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी नोइंग इट, तो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर ऑल। सो स्नूकर एंड बिलियर्ड बोथ आर डिफरेंट गेम्स बट प्लेड ऑन द सेम टेबल। इन स्नूकर देयर आर 15 रेड बॉल्स एंड 6 कलर बॉल्स, यू हैव टू टेक अ रेड एंड अ कलर एंड देन हुम हु टेक्स मोर इन अ रो विंस। In billiards there are only 3 I'm balls. Talking about the championship. Yes. How did you won the championship? Okay so this time the championship, there's a group event which happens out of there are 16 groups of 4 people each, out of which only 2 qualify, and then there's a knockout which happens from the round of 32. Yes. Top 32, top 16, 8, 4 and 2. So I won all the matches, and in the semifinals I was 3-2 down and I won 4-3, and in the final also I won 4-3 after being 2-0 down. एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं आपको, आप और मैं खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? ये ब्लैक आप वहाँ पॉट करो, ये ब्लैक आप पॉट करो, जरा ये ब्लैक दिखाओ इधर से यहाँ से आएगा, ये ब्लैक आप पॉट करो। सॉरी, अभी मेरी टर्न, अभी आप मेरा माइक पकड़ो। हाँ ओके, राइट, ठीक है? यस मारो, ठीक है। देखा जाएगी बेटा, एक जरा एंगल देखने तो मेरे को। अब जाएगी। डिफरेंस आई विन। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्ल्ड चैंपियनशिप। थैंक यू सो मच, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू योर फैमिली। कांग्रेस टू योर फैमिली कि आप 19 ईयर्स में इतना माइलेज हासिल करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर टीचर्स एंड ऑल कि आप पढ़ाई में भी ब्रिलियंट से बहुत। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो खेल खेल में दीवाने रहते हैं, बट सॉरी मेरा माइक इधर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो खाली अगर खेल में अटेंशन करते हैं तो खेल में ही अटेंशन करते हैं, और पढ़ाई में जो उनका मार्क्स कम आता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं। पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को ये चाहिए कि अरे बच्चे का मार्क्स अच्छा हो। उन्होंने शायद आमिर खान की वो पिक्चर नहीं देखी, तारे ज़मीन पे, हाँ वो पिक्चर। तो शायद पेरेंट्स को हमेशा रहता है भाई मेरे बच्चे का मार्क्स अच्छा रहा, इंजीनियर ये पढ़े, बट ये इन्होंने पढ़ के भी दिखाया और जो है चैम्पियनशिप भी ला के दिखाई। तो हमारी बच्चों से गुजारिश है कि डू आप दोनों काम साथ में करते हैं। एक कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? ऑल्सो एज या ऑल्सो एडिंग टू वॉट यू सेड राइट नाउ दैट अबाउट स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, दिस इज वन रीजन आई थिंक Then my parents helped me a lot. They always supported me in studies and in snooker. They always told me to balance both, you know. ऐसा कभी बोला नहीं कि यू नो स्नूकर मत खेलो या स्पोर्ट्स मत खेलो। They always said नीचे आएगा तो कोई भी पेरेंट बाप तो सीधा देगा, बोलेगा अरे भाई चल हटा तेरे लकड़ी वकड़ी, है ना? बट यू हैड स्कोर्ड मार्क्स, यू नो 90% इज समथिंग अ वेरी ब्रिलियंट स्कोर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एंड यू आर नेशनल चैंपियन। सो बहुत बैलेंस रखा है आपने, बहुत ज़्यादा बैलेंस रखा है। योर पेरेंट एंड इवन वी आर प्राउड ऑफ यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है? देखो मैंने आपको हरा दिया, अभी याद है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, ओके।